कचरों के पहाड़ और सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी पर हमलावर है। आपके लगातार हमले पर आज दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों मेयर्स एक आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते दिखे और कहते दिखे कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी बन गई। मेयर ने कहा, कूड़े के पहाड़ को कम किया जा रहा है, काम हो रहा है। पार्टी ने मनगढ़ंत और तथ्यहीन कुछ आरोप लगाए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, तीनों नगर निगम दिन प्रतिदिन सफाई के मामले में स्तर को ऊंचा किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जहां कूड़े के पहाड़ को 15 मीटर कम किया, जहां कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, कौन सी कंपनी को मिलने वाला है ये भी 15 दिन में तय हो जाएगा। जो कंपनी इसको लेगी 50 लाख मीट्रिक टन कूड़ा 2.5 साल में ख़त्म करने वाली है। हाउस में किसी भी आम आदमी के पार्षद ने आज तक ये क्वेश्चन नहीं उठाया है कि उसके एरिया में सफाई नहीं हो रही। उसके बावजूद भी मैं आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ कि हमारा जो 46 एकड़ का एरिया है, जहाँ पे हमारा ये SLF की साइड है ओखला में, वहाँ पे 46 एकड़ का एरिया है, उसमें करीबन 55 लाख मैट्रिक टन की जो वहाँ पे जो कूड़े का ढेर है वो है, उसकी हम 12 से 15 मीटर हाइट हम कम कर चुके हैं। 24 टोल मशीन हमारी वहाँ पे काम कर रही हैं। ये हाईवे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें हम वो मिट्टी सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि उसकी फिलिंग हो जाए। हम वहाँ से पूरा का पूरा निकाल के उसको कचरे को साफ करके और जो मिट्टी निकल रही है उसको हम हाईवे में दे रहे हैं NHAI को, जिससे कि वो बॉम्बे एक्सप्रेसवे में उसमें फिलिंग में काम आ रही है। आम पार्टी ने एक झूठा और बेबुनियाद कुछ स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने दिल्ली नगर निगम, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बारे में भी, ईस्ट दिल्ली के बारे में भी, साउथ दिल्ली के बारे में भी कहा। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। हमने पिछले साल लगभग 90 के करीब हमने कम्पैक्टर्स लगाए और मई तक हम 167 कम्पैक्टर्स पूरे कर लेंगे। 90 कम्पैक्टर लगाने का मतलब है हमने नॉर्थ MCD के अंदर लगभग 200 ढलाव बंद किए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।